और हम आपको कल से ही शरणागति पर चर्चा सुना रहे हैं। मेरे प्रिय जनों, सबरी माता शरण में हो गई, किसके? गुरु के। परिणाम राम को आना पड़ा। लोग कहते हैं कि राम वनवास कैकई माँ के कारण गए, हम कहते हैं कि कैकई माँ तो बहाना था, सबरी के मान को बढ़ाना था, इसलिए प्रभु श्री राम वनवास आए। राम जी तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सबरी माँ सीधी है, सीधी, अच्छा बुरा न मानना, सरल आदमी को जल्दी भगवान मिल जाते हैं। हाँ, जो एकदम सीधे साधे होते हैं सरल, उन्हें जल्दी मिल जाते, जो ज्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें नहीं मिलते। हाँ क्यों? भगवान सरलता पर रीझते हैं। देखो, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा तुम्हारा सरल होना कठिन है। हम तुम सरल हो जाएं, भगवान तो मिले ही मिलाए। बोलो सीताराम, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। तो हम लोग सरल हो जाएंगे, प्रभु को पा जाएंगे क्या? बिल्कुल पा जाओगे, कोई संदेह थोड़ी है। सरलता से प्रभु रीझते हैं, जैसे ऐसे समझो। एक बार यही रायपुर के पास में एक जगह है अभनपुर, अभनपुर के पास में एक घटना घटी। गांव में दो माताजी पानी के पनघट पर मटका सिर पर रखकर घर जा रही थी, दोनों सीधी साधी। एक बोली, अरे बहन तुमने सुना अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए? तो दूसरी बोली, पता है क्या बोली? बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तब तक तीसरा आदमी पीछे से सुन रहा था, उसे बड़ी हंसी आई। हंसी आकर के जो माताजी ने ये कहा था उनके सामने, बोले माताजी कोमा में चले गए? तो बोले वही तो हम कह रहे हैं, अमीर हैं, गांव के सरपंच कहीं भी जा सकते हैं, हम लोग तो भैया गरीब आदमी मन है, हम लोग तो रायपुर नहीं जा पाते। बताइए अब ये क्या है? यही सरलता है, इसी सरलता पे भगवान खिलखिलाकर हंस पड़ते। ऐसी एक और घटना राजस्थान में घटी। राजस्थान में एक बालक पंडित जी के पास आया, कथा हो रही थी। पंडित जी, महाराज आप मन बहुत बहुत प्यारी कथा करते हो आप, हमारी माताजी बूढ़ी हैं, घर पे दर्शन दे दो। वो चले गए पंडित जी। बूढ़ी माताजी, मारवाड़ी माताजी राजस्थान की, उन्होंने टूटी फूटी मारवाड़ी में कहा, पंडित गुरुजी थारे खुर लागू, चरण नहीं खुर, और खुर होते हैं गाय के। तो हाथ जोड़ के बोली, गुरुजी थारे खुर लागू। तो मुस्कुरा करके पंडित जी बोले, महाराज जी बोले, महात्मा, माता जी ऐसा नहीं कहते, महात्माओं से ऐसा कहने में नरक जाओगी, नरक। अब उनका जवाब सुन के कई लोग बेहोश हो गए। माता जी बोली, महाराज नरक हम लोगों जैसे इन इंसानों के भाग में कहाँ है, वो तो आप जैसे महापुरुष ही जा सकते हो। महात्मा जी बूढ़ी माता की बात पर सुनकर के खिलखिलाकर हंस गए, हंस गए। यही सरलता है, जैसे वो महात्मा बूढ़ी माता की बात पर खिलखिलाकर हंस गए, ऐसे ही हम लोग भी अगर नन्हे बालक जैसे बन जाएं तो वो महात्मा हंस गए, ये परमात्मा भी खिलखिलाकर के हंस जाएगा।